हम करेंगे कि आपको आपकी जो पेड़ रेढ़ा कब लगानी है, ठीक है, उसके बारे में आज बताया जाएगा आपको। आपको पेड़ रेढ़ा जब लगानी है, जब आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो और बेसिकली आपके पास कम से कम 20 to 30 वीडियोस होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 20 to 30 वीडियोस आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको उसका स्टार्ट करके फ़ायदा है, वरना उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जब भी हम कोई भी वीडियो हम किसी वीडियो को एक बार देखते हैं किसी भी चैनल को, देन उसकी और भी वीडियो सजेशन में आती हैं। ठीक है, सजेशन में आती हैं, ये चीज़ आपने देखी होगी। यही है कि अगर आप कोई भी एक वीडियो देखते हो किसी भी चैनल की, तो और भी उसमें सजेशन में वीडियोस आती हैं, आपको रिकमेंड होती हैं। अगर आप पेड एड एक दो एक वीडियो के बाद लगा दोगे, तो आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके किसी पर्सन को आपकी वीडियो अच्छी भी लगी, पसंद आई, वो और वीडियो नहीं देख पाएगा आपकी, अगर आपके रिकमेंडेड और वीडियो नहीं होगी। इसके लिए कम से कम 20 to 30 वीडियोस आपकी यूट्यूब चैनल पे होनी ही चाहिए, उसके बाद ही पेड एड लगानी चाहिए। पेड एड आपको बता दिए कैसे लगानी है, ठीक है। पेड एड लगाते टाइम सबसे ज़्यादा ऑडियंस का ध्यान रखना है। ऑडियंस क्या होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ये पता होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट है वो किसको चाहिए, और उसका जो नीड है किस गाय को है, ठीक है, किस गाय को है, ठीक है, ये आपको होनी चाहिए, किस बंदे को उस प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर बच्चों को उसकी नीड है तो बड़ों को, बड़ों का तो बच्चों को देगा, ऐसे नहीं। आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि उनको किसकी नीड है, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और पेड ऐड लगाते टाइम हमेशा ये याद रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यूट्यूब कस्टमर का जो है कब चलाता है। आपको पता है पूरी ड्यूटी भी होता है, ज़्यादातर बंदे रात को यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, दिन में भी चलाते हैं बट ज़्यादा रात को चलाते हैं। इस करके वीडियोस का आपको टाइम इस हिसाब से रखना चाहिए कि आपको पता है कि आपका कस्टमर किस टाइम ऑनलाइन बैठा होगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो यहाँ से आपके पास कस्टमर आने के ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि आप जब भी पेड एड लगाओ, जब भी आप अपनी पेड एड लगाओ, तो जैसे मैंने बताया वैसे लगाओ, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहले यूट्यूब पे वीडियोस डाल लो, ताकि अगर आप किसी प्रोडक्ट की बना रहे हो या अपना कोई चैनल बना रहे हो, तो जब भी ऐड डालो, जब आपका जो चैनल है वो ग्रो हो जाए, ठीक है। कम से कम 20 to 30 वीडियोस होनी चाहिए। अगर एक पर्सन आपकी वीडियो देखता है, अगर उसे एक पसंद आए, तो उसे और भी रिकमेंड होगी, वो उन्हें देखेगा तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वरना अगर आपकी एक ही वीडियो चली होगी, एक बंदा उसे देखेगा, देन उसे भूल जाएगा थोड़े दिन बाद, बट अगर वो दो तीन वीडियो एक साथ देख लेगा तो चैनल को कंफर्म सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि होगा आपका व्यूज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ आर बढ़ेंगे, प्लस आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका चैनल ग्रो होगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कम से कम 40 to 50 वीडियोस डालने के बाद ही पेड एड लगाओ, ताकि कोई भी बंदा देखे उसे रिकमेंड कोई ना कोई वीडियो होती रहे। हम कभी भी एक भी चैनल पे कोई भी वीडियो देखते हैं, तो और भी उसमें जो वीडियो रिकमेंड होती हैं हमें उस चैनल की, वैसे अगर हमारे पास वीडियो अच्छी होंगी तो हम रिकमेंड होंगे, रिकमेंड उसमें आएंगे। अगर वीडियो से हम एक डाल के पेड एड लगा देंगे तो हमें रिकमेंड नहीं होगी, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है पेड एड लगाते टाइम, ठीक है। ठीक है, पेड एड अगर क्या क्या फ़ायदा है कि आपके चैनल में आपने डाली 20 to 30 वीडियोस, ठीक है, 20 to 30 वीडियोस मिनिमम बताई है मैंने आपको, ठीक है। 20 to 30 वीडियोस का क्या होगा कि एक पर्सन आपकी एक वीडियो देखी, उसे 5-6 और कमेंट होगी, उसको पसंद आई, वो आपका कस्टमर जो है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। अगर आपको आपकी एक वीडियो है उसे पसंद आई, ठीक है, आपने एक वीडियो का पेड लगा दी, उसे पसंद आई, उसके बाद वो दूसरी एड दूसरी वीडियो उसके सामने कोई भी शो नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो उस चैनल को भूल जाएगा। बट जो बंदा 5 से 6 बार एक चैनल को देख लेगा, वो चैनल का नाम उसे याद हो जाता है और सब्सक्राइब भी वो कर देता है, क्योंकि उसे उसमें इंटरेस्ट बन जाता है।
कभी मूवी को देखना स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बन जाता है तभी बंदा पूरी देखता है, अगर नहीं बनता है तो कोई भी नहीं देखता है। इसके लिए स्टार्टिंग का इंटरेस्ट बनाना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। और भी चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड लगाएं, इवनिंग में लगाएं, डे में लगाएं, ठीक है। क्योंकि आपने हर यूट्यूबर चैनल होता है उसने ऐड लगाने का एक टाइम होता है और अपनी ऐड उस टाइम ही लगाता है, उसे पता है कि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस टाइम आ रहे हैं और किस टाइम वॉच ओवर आ रहे हैं, किस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर हैं मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे कई चैनल्स होते हैं वो अपनी यूट्यूब की वीडियो जब डालते हैं, जब उस टाइम डालते हैं जब उनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो व्यूज़ और उसमें चेक हो जाते हैं सेटिंग में, आपको बताया था, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और प्लस जो पेड ऐड है, ठीक है, वो आपको मैंने जैसे बताई थी वैसे आपको लगानी है, ठीक है। और अपनी कम से कम 20 to 30 वीडियोस आपको रखनी होंगी, ठीक है। और भी यूट्यूब में आपने स्टार्टिंग से ये देख ही लिया होगा कि आपको कस्टमर कैसा मिलेगा, किस टाइम मिलेगा, क्योंकि आपने अभी तक अगर अपना चैनल बनाया होगा, आई होप आपने बनाया होगा, मैं लास्ट डे आपसे आपके यूट्यूब चैनल के बारे में भी पूछूंगा, आपके यूट्यूब चैनल भी आप मुझे मैसेज करना कि आपके यूट्यूब चैनल क्या है, कैसा है, आप मुझे सेंड करना, मैं उसे चेक करूंगा, उसमें कुछ गलती होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक पबजी वाला है उसने कम से कम 30 to 40 वीडियो डाल ली, देन वो पेड एड लगाता है, देन क्या होगा कि एक बंदा एक बार देखेगा, आप डायनमो को जानते हो, स्काउट को जानते हैं, हम उनके एक बार वीडियो देखते हैं बार बार उनकी सजेशन में आती हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका किसी भी टाइप का मोटिवेशनल है, जिस मर्जी का, क्योंकि ये सारे चैनल आज के टाइम पे बहुत चल रहे हैं, मोटिवेशनल प्लस पबजी तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और मोटिवेशनल वाले भी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस कोच वाले भी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं चैनल आज के टाइम पे, ठीक है। और जो आपकी नीच है उसके टाइप के आपको चैनल बनाने, ये नहीं है कि उसे देख के किसमें व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो बना लें, आप पबजी बनाने लग जाओ, आपको खेलने नहीं आते, ऐसे नहीं होगा। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो आपको उसी के ऊपर यूट्यूब चैनल बनाना है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका यूट्यूब चैनल जब भी आप देखोगे, ठीक है, जब भी कोई पर्सन देखेगा तो अगर आपको उसको आपका अच्छा लगेगा, वो जब भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, जिससे आपके वॉच आवर भी बढ़ेंगे और वीडियो को भी देखेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टाइमिंग आप अपने हिसाब से देखो कि आपके टाइम पे यूट्यूब चैनल पे कब आपके व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना होता है। प्लस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी वीडियो डेली एक ही टाइम पे डालनी है, ताकि कल को आपका चैनल ग्रो हो, कोई पर्सन वेट ना करे, आपका वीडियो का शेड्यूल बना हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं उन्होंने वीडियो बनाई होती है कि एक हफ्ते में इस दिन ही वीडियो आनी है और उसी दिन उनकी वीडियो आती है। डेली क्या, तो टाइमिंग रखो, क्योंकि जितना आप टाइमिंग रखोगे कस्टमर उतना टाइमिंग पे, या आपका एक सब व्यूअर्स इतने टाइमिंग पे आ जाएगा, ठीक है। देन ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।